how are you all? Are you all fine? I hope you all are fine and safe at your home. So, do you know which chapter is going on? Shapes and angles. In this chapter, we have done so many activities, right? And today also, one activity is given in your textbook, page number 25. So, open your maths textbook, page number 25. And see, one activity is given. Let's read. A. Put 10 math magic books on top of each other. Can you see this picture here? How many books are given? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. We can see 10 books are on the top of each other. Matlab ki jab hum 10 books ko aise arrange karenge to ek pile ban jayega aur 11th book ko aapko aise arrange karna hai. See, keep one book slanting to make a slide. Matlab ki ek book ko aise slant rakhna hai ki ek slide ki tarah ho jaye. Understand? So if you don't have much textbook, matlab ki har ek ke paas thodi na 10 textbook hogi, to aap kya karo, aap aapke ghar se 10 alag alag books, मतलब कि उसकी जो ऐसे लेंथ है ना, उसकी विथ वो सेम हो, वैसी कोई 10 बुक्स कलेक्ट करो और 11th बुक को ऐसे स्लांट रखो, जैसे कि स्लाइड की तरह. आपको ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है. ओके, उसके बाद क्या करना है? नाउ डू दिस विद द 6th बुक. अब हमने ये 10 बुक्स को अरेंज किया, फिर एक नीचे रखा. अब हमको 6th बुक से करना है. कैसे? जैसे कि हमने 6th बुक ले ली है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6. तो 6 बुक्स यहाँ तक आएगी और उसके बाद हम 7th बुक ऐसे रखेंगे. समझ में आ रहा है? तो ये ऐसे हो जाएगा. ओके, सो रोल अ बॉल फ्रॉम द टॉप. उसके बाद क्या करना है? एक बॉल लेना है और टॉप से उसको रोल करना है. फॉर एग्जाम्पल, एक बॉल यहाँ से हमने रखा 10 बुक्स के ऊपर और उसको ऐसे रोल करना है. जैसे हम स्लाइड पे बैठते हैं ना, तो कैसे स्लाइड पे बैठते हैं तो ऐसे सीधे नीचे आते हैं स्लाइड करके, वैसे ही हमको बॉल रखना है और उसको ऐसे स्लाइड करना है. एंड सी, रोल अ बॉल फ्रॉम द टॉप. फ्रॉम विच स्लाइड डज द बॉल रोल डाउन फास्टर. अब दोनों में से कौन सी स्लाइड में जो बॉल होगा ना, वो जल्दी से नीचे आ जाएगा. जैसे कि हम यहाँ पे और एक बनाए 6 का, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ये हो गया एक 6 बुक्स का पाइल और 6 में जो बुक है उसका एंगल थोड़ा ऐसे बिग होगा. आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये सीधा ऐसे ही है, यहाँ पे उसका डिस्टेंस. जब हम 6 बुक्स को अरेंज करें तब ये स्लाइड से एंड, स्लाइड का जो एंड है और ये सीढ़िया है, उसका डिस्टेंस कितना होगा? थोड़ा ज्यादा होगा. और जब ये 10 बुक्स है तब ये बुक्स का, यहाँ पे जो बुक है और ये बुक का एंड, तब डिस्टेंस छोटा है. समझ में आ रहा है? तो अगर हम यहाँ से बॉल को रोल करें तो ये तो सीधा नीचे आ जाएगा, बट अगर हम 6 बुक से वहां से ये बॉल को रोल करें तो टाइम थोड़ा ज्यादा लेगा, क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा. अंडरस्टैंड? सो फ्रॉम विच स्लाइड डज द बॉल रोल डाउन फास्टर. तो कौन सी स्लाइड में बॉल है वो सीधा फास्टर, मतलब कि जल्दी से रोल होगा? फ्रॉम दिस वन. अंडरस्टैंड? ये स्लाइड से जल्दी से रोल होगा. नाउ सी, विच स्लाइड हैज द स्मॉलर एंगल. और कौन सी स्लाइड का जो एंगल है वो स्मॉल है? अब हम ये एंगल देखें, एंगल तो यहाँ पे बन रहा है, ये भी एंगल बन रहा है, ये भी एंगल बन रहा है, ये भी एंगल बन रहा है, राइट? यहाँ पर भी ऐसे 3 एंगल्स बन रहे हैं, बट वी कैन सी दिस एंगल. ये एंगल देखो, राइट? और यहाँ का ये एंगल देखो, तो ये जो एंगल बन रहा है वो स्मॉलर एंगल है और ये जो है वो थोड़ा इससे बिग होगा. सो वी कैन से विच स्लाइड हैज द स्मॉलर एंगल. दिस स्लाइड हैज द स्मॉलर एंगल. अंडरस्टैंड? ये आप एक्टिविटी आपको घर पे करनी है. एंड डू दिस एक्टिविटी एंड आइडेंटिफाई द स्मॉलर एंगल. स्मॉलर एंगल किसमें बनता है? दैट यू हैव टू सी. एंड बॉल, टेक अ बॉल एंड रोल डाउन. फिर आप उसको रोल करो, दोनों में से किसमें बॉल है वो फास्ट नीचे आएगा, दैट ऑल्सो यू हैव टू सी. ओके, नाउ सी ऑन पेज नंबर 26, हियर ऑल्सो 2 स्लाइड्स आर गिवन एंड हियर पिक्चर ऑफ अ बॉय इज गिवन. सो
दिस आर टू स्लाइड्स इन अ पार्क. वी कैन सी हाउ मेनी स्लाइड्स आर देयर इन अ पार्क. टू स्लाइड्स. ओके बट वी कैन सी वेरी वेल हियर द स्लाइड इज बिग एंड हियर द स्लाइड इज स्मॉल. यहाँ पे जो स्लाइड आप देखो कि ये जो सीढ़ियाँ है और एंड पॉइंट उसका डिस्टेंस आप देखो थोड़ा बिग है ना. और यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो आप देखो कि ये लैडर और स्लाइड का एंड उसमें डिस्टेंस कम है. अंडरस्टैंड. नाउ सी विच स्लाइड हैज अ लार्जर एंगल. दोनों में से कौन सी स्लाइड का एंगल है वो लार्ज है. नाउ एज आई टोल्ड यू बिफोर हियर ऑल्सो एंगल हियर ऑल्सो एंगल हियर ऑल्सो एंगल थ्री एंगल्स आर मेड एंड हियर ऑल्सो थ्री एंगल्स आर मेड बट वी विल सी दिस एंगल क्योंकि ये एंगल चेंज हो रहा है. नाउ सी दिस. यहाँ से एक एंगल ऐसे बन रहा है और यहाँ से एक एंगल हम ऐसे देखे. ओके अब यहाँ का एंगल देखो और यहाँ का एंगल देखो. ये दोनों स्लाइड में से कौन सा एंगल लार्ज है. दिस एंगल अगर हम इसको नाम दे दें ताकि आपको आंसर लिखने में ईजी रहे इसको हम स्लाइड वन बोले और इसको हम स्लाइड टू बोले. ओके सो वी कैन से स्लाइड टू हैज द लार्जर एंगल. स्लाइड टू में जो एंगल बन रहा है वो कैसा एंगल बन रहा है लार्ज एंगल. एंड द सेकेंड इज विच स्लाइड डू यू थिंक इज सेफर फॉर द लिटिल बॉय एंड वाई. अब दोनों स्लाइड है अच्छा तो लिटिल बॉय है वो कौन सी स्लाइड में जाए तो उसके लिए सेफ होगा. हैव यू इमेजिन आपने ये इमेजिन किया है कि अगर आप ये स्लाइड में बैठो तब क्या होगा और ये स्लाइड में बैठो तब क्या होगा. जैसे कि ये स्लाइड वन है और ये स्लाइड टू है तो एज आई टोल्ड यू कि इसका जो डिस्टेंस है वो थोड़ा ज्यादा है तो बॉय को इधर से यहाँ पे आने में थोड़ा टाइम लगेगा थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा और इसका जो डिस्टेंस है वो कम है. बॉय यहाँ पे खड़ा है वो सीधा स्लाइड करेगा तो सीधा नीचे आ जाएगा. तो दोनों में से कौन सी स्लाइड सेफ होगी. ये वाली स्लाइड सेफ होगी क्योंकि यहाँ पे तो हम सीधा जाएंगे और सीधा नीचे तो छोटे बच्चे को तो चोट भी लग सकती है. अगर आप कोई हिल पे खड़े हो या तो कोई ऊंचाई वाली जगह पे खड़े हो यहाँ से आपको सीधा ही जंप मारे तो क्या होगा चोट लग जाएगी है ना. और उसमें थोड़ा ऐसे डिस्टेंस है तो क्या होगा आप धीरे धीरे नीचे आओगे तो आपको चोट नहीं लगेगी. इसमें तो फास्ट नीचे आ जाएगा तो वो उल्टा भी गिर सकता है. सो स्लाइड टू इज द सेफर फॉर द लिटिल बॉय. अंडरस्टैंड. सो नाउ हियर सी द नेक्स्ट एक्टिविटी इज व्हाट चेंजिंग शेप्स. व्हाट इज दिस changing shape. Now see what is given in this activity. See here things you need. Here in activity some things are needed. मतलब कि कुछ चीजें आपको चाहिए. Okay क्या चाहिए. See used or new matchsticks. Here ये क्या है ये matchbox है और matchbox के अंदर क्या होता है ऐसी matchsticks होती है right. तो matchsticks भी हमको चाहिए और क्या चाहिए पीस ऑफ रबर ट्यूब यूज इन साइकिल वेल्व. अभी जो रबर ट्यूब्स होती है ना उसके पीसेस चाहिए. अगर वो आपके पास नहीं है तो आप जो पेन आती है ना उसकी रिफिल जो खाली हो गई है वो भी यूज कर सकते हो. या अगर आपके पास वो भी नहीं है तो नारियल पानी में जो स्ट्रो आती है जो स्मॉल वाली स्ट्रो आप वो भी यूज कर सकते हो राइट. तो सबसे पहले क्या करना है क्लीन द ब्लैक कैंड ऑफ द मैचस्टिक्स. अब आपने मैचस्टिक्स तो देखा होगा उसमें क्या होता है एक ब्लैक कलर का डॉट होता है जिससे हम उसको यहाँ पे ऐसे लगाए तो आग लगती है आग जलती है राइट. तो ऐसा जो पार्ट है ना वो हमको निकाल देना है. अंडरस्टैंड. तो आपको वो करना है आप न्यू भी मैचस्टिक्स यूज कर सकते हो और ओल्ड भी क्योंकि वो हमको ये जो ब्लैक कलर का पार्ट है वो तो हमको चाहिए ही नहीं. तो यूज्ड हो गई मैचस्टिक्स है वो तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि उसमें से हमको जो ब्लैक कलर का जो पार्ट दिखेगा वही सिर्फ कट करना है. ओके तो आपकी जो मैचस्टिक्स है वो वेस्ट भी नहीं होगी और जो वेस्ट हो गई है जो यूजलेस है उसको हम यूज कर सकते हैं राइट. तो दैट ऑल्सो यू कैन टेक. अब चलो फर्स्ट तो हमने कर लिया कि मैच बॉक्स ले लिया उसमें से जो ये ब्लैक कलर का पोर्शन था वो हमने हटा दिया. अब क्या करना है कट स्मॉल पीसीस ऑफ द ट्यूब. अब ये जो हमने ट्यूब ली ना ऐसी वाली कि उसको 1-1 centimeter ऑलरेडी यू नो 1-1 centimeter राइट. सो 1-1 centimeter के पीसीस करने हैं. अब स्ट्रो लोगे ना तो बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि वो इजिली बैंड भी हो जाएगी राइट. अगर आप वो पेन की रिफिल लोगे तो क्या होगा वो जल्दी से बैंड नहीं होती है तो आपकी मैचस्टिक्स टूट सकती है. उससे अच्छा है कि आप स्ट्रो ले लो. नाउ
कट स्मॉल पीसेस ऑफ द ट्यूब अबाउट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब ये सारे जो कट किए ना वो सेम होने चाहिए, उसमें अगर आप एक बिग करोगे एक स्मॉल करोगे तो आपके शेप्स अच्छे नहीं बनेंगे। तो सेकेंड आपका वो हो गया। फिर थर्ड क्या है, पुश टू मैचस्टिक्स इनटू ईच अदर। नाउ ये जो है ना वो ट्यूब का पोर्शन है। अब ट्यूब होती है तो वो तो होल होगा यहाँ पे, तो दोनों साइड उसको आपको मैचस्टिक्स को फिक्स करना है। समझ में आया, जैसे ऐसे बन जाए। फिर क्या करना है, वापस यहाँ पे उसको एक ट्यूब लगाना है दोनों साइड। फिर ये ट्यूब होगा उसमें तो होल होगा तो उसके अंदर वापस मैचस्टिक्स आ जाएगी, अंडरस्टैंड। तो उसमें हमको अगर आपको ट्रायंगल बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1, 2 और 3, आपको 3 ही मैचस्टिक्स चाहिए राइट, और उसके 3 रबर के पीसेस चाहिए। और उसके बाद आपने अगर ये कर लिया, फिर यहाँ पे मैचस्टिक्स है उसको ऐसे बैंड करके इस रबर ट्यूब में फिक्स कर दो, तो क्या हो जाएगा, ऐसा वाला एक ट्रायंगल बन जाएगा। ओके, देखो यहाँ पे ऐसा बना हुआ है तो ये तो 2 ही है। अब इस साइड और एक होल है, यहाँ पे अगर आपने मैचस्टिक्स फिक्स कर दी राइट, यहाँ पे आप मैचस्टिक्स फिक्स मत करो, अब इसको बैंड करके इस साइड से बैंड करके ये वाला जो मैचस्टिक्स का एंड है ना उसको यहाँ पे फिक्स कर दो, तो ऐसा वाला ट्रायंगल बन जाएगा। समझ में आ रहा है। फिर आपको क्या करना है, ट्रायंगल तो बना लिया, फिर क्या करना है, नाउ मेक दिस 4, 5, 6 साइडेड शेप्स बाय यूजिंग ट्यूब पीसेस एंड मैचस्टिक्स। नाउ सी 4-sided, 5-sided and 6-sided, हमको ऐसे शेप्स बनाना है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो 1, 2, 3, 4-sided, दिस इज स्क्वायर। यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4 and 5, दिस इज पेंटागन, एंड दिस इज 1, 2, 3, 4, 5 and 6, दिस इज हेक्सागन। सो वी मेड ऑल दिस शेप्स बाय मैचस्टिक्स एंड रबर ट्यूब। ओके, इससे आपको शेप बनाना है। ओके, सबने बना लिया, ये एक्टिविटी भी आपको करनी है, आप प्लीज ट्राई करो। मैचस्टिक्स तो सबके घर पे होती ही है, और स्ट्रो से आप ट्राई कर सकते हो, नारियल पानी में जो स्ट्रो आती है ना उससे आप ट्राई करो। ओके, एंड अब क्या करना है, आपने शेप भी बना ली है, नाउ फाइंड आउट हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन ईच ऑफ दिस शेप्स। नाउ सी In every shapes, as I told you before, every shapes has angles. So let's find out how many angles are there in each shape. Here, see 1, 2, 3, and 4. How many angles are there? 4 angles. And here 1, 2, 3, 4, and 5. How many? 5 angles. And here 1, 2, 3, 4, 5 and 6. How many angles? 6 angles. Understand? So 4-sided figure has 4 angles, 5-sided figure has 5 angles, and 6-sided figure has 6 angles. Understand? तो हमने angles भी find कर लिए, उसकी sides भी find कर ली। अब now push each shape downwards. अब आप ये figure देख रहे हो, अब फॉर एग्जाम्पल हमने ये पेंटागन लिया, अब उसको ऐसे खड़ा रखा, फिर यहाँ से हमको उसको पुश करना है, उसका एक कॉर्नर ऐसे पुश करो बाय द टिप ऑफ योर फिंगर, आपको एक फिंगर टिप से उसको ऐसे पुश करना है। ओके, एंड डज द एंगल चेंज व्हेन पुश्ड डाउन बाय द फिंगर। और ये जो शेप है हमने जो बनाया है, अगर हम उसको ऐसे पुश करें तो क्या उसका एंगल चेंज होगा कि नहीं होगा। तो अब ये वाला जो है वो इजीली रबर ट्यूब है तो वो जल्दी से ऐसे पुश होगा राइट, तो उसका एंगल है ये, इसको अगर हम पुश करें तो ये ऐसे स्टैंडिंग मतलब स्लीपिंग लाइन में स्ट्रेट भी हो सकता है, तो यस ऑब्वियसली उसका एंगल चेंज होगा। ये आपको कैसे पता चलेगा, जब आप ये अपने आप खुद बनाओगे, फिर उसको खुद से प्रेस करोगे तो ही आपको पता चलेगा राइट। सो डू दिस एट होम, अंडरस्टैंड। And see here, one table is given. Now in this table, with this activity, आपको rubber tube और mastics से ऐसे shapes बनाने हैं, और फिर decide करना है change in angle. मतलब कि इसके angles में change हो रहे हैं, yes or no. ये देखो कौन सा shape है, उसकी कितनी sides है, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. This 6-sided figure, मतलब कि ये क्या होगा, hexagon होगा. अगर इसको हम यहाँ से
पुश करे या तो इस साइड से पुश करे, तो ऑब्वियसली इसका जो शेप है वो ऐसे स्टैंडिंग लाइन में आ सकता है, राइट। यहाँ से हम इसको पुश करें तो भी हो सकता है, तो अगर हम इसको पुश करें तो ये इजीली पुश होगा, इसके एंगल्स चेंज होंगे, राइट। सो हियर वी कैन राइट यस, एंगल्स विल चेंज। अब ये भी फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी हाउ मेनी साइड्स आर देयर, 1, 2, 3, 4 and 5 साइड, मतलब कि ये पेंटागन है। अब पेंटागन को मैं यहाँ से ऐसे पुश करूँ फिंगर से, तो ये भी इजीली पुश होगा इसका। अगर इसको हम पुश करें तो ये स्लिपिंग में हो जाएगा, ये स्ट्रेट भी हो सकता है, राइट। तो इसमें भी एंगल चेंज हो जाएगा। ये जो स्क्वायर है, राइट, इसको हम ऐसे पुश करें या तो हम इसके कॉर्नर से उसको पुश करें, ये भी इजीली पुश हो सकता है, अंडरस्टैंड। तो हम इसको यहाँ पे इसका आंसर क्या लिखेंगे, यस। बट ये जो ट्रायंगल है, अगर आप इसको यहाँ से पुश करेंगे तो क्या होगा, इसको यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है, समझ में आ रहा है। एक ट्रायंगल ही ऐसा है जिसको अगर आप पुश करोगे तो ये पुश नहीं होगा, और इसका जो भी, अगर ये पुश नहीं होगा तो फिर उसके जो शेप्स है, उसके जो एंगल्स है, उसमें भी चेंज नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे आएगा नो, समझ में आया। ये ट्रायंगल तो आप बनाओ, ट्रायंगल को क्यों, उसके शेप चेंज नहीं होते, उसके एंगल्स चेंज नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे अगर उसको हम प्रेस करें तो यहाँ से उसको सपोर्ट मिल जाता है, इसलिए, अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है। तो ये जो हेक्सागन है उसका भी एंगल चेंज होगा उसको फिंगर टिप से पुश करने से, ये जो पेंटागन है उसको भी हम फिंगर टिप से पुश करें तो उसका भी एंगल चेंज होगा, ये जो फोर साइडेड स्क्वायर है उसका भी एंगल चेंज होगा, बट सिर्फ ये एक ट्रायंगल है ना, उसका ही ये जो एंगल है वो चेंज नहीं होगा। बट ये आपको कैसे पता चलेगा, कि आप अपने आप खुद बनाओ, ओके। सो डू दिस एक्टिविटी एंड राइट आंसर्स लाइक दिस, अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स सी इन द नेक्स्ट पेज। नाउ सी द टॉपिक इज शेप्स एंड टावर्स, राइट। लुक फॉर ट्रायंगल इन द पिक्चर्स बिलो। Now see this. Can you see triangles in this picture? Here also see triangles are given in the picture. And see here also the shapes. The shape is triangle. Here also many triangles. This big also triangle. Right. So from the activity changing shape, can you guess why triangles are used in this tower, bridges, etc. अब हमने वो जो activity किया, right? चेंजिंग इन शेप्स एंड एंगल्स, उसमें कौन सा शेप ऐसा था जिसका एंगल चेंज नहीं हो रहा था, ट्राइंगल का, अंडरस्टैंड। ट्राइंगल का जो एंगल है उसका जो शेप है वो चेंज नहीं हो रहा था, क्यों, क्योंकि उसको इस लाइन को यहाँ से सपोर्ट मिल जाएगा और इन दोनों को इसके बेस से सपोर्ट मिलता है, इसीलिए वो एक स्ट्रॉन्ग फिगर बन जाती है, अंडरस्टैंड। नाउ सी लुक अराउंड एंड फाइंड आउट मोर प्लेसेस वेयर ट्राइंगल्स आर यूज्ड। अब आपको इसका रीजन तो पता चल गया ना, कि ट्राइंगल है वो एक स्ट्रॉन्ग शेप है, राइट। अ ट्राइंगल शेप इज स्ट्रॉन्ग एंड डज नॉट चेंज इजिली वेन प्रेस, ओके। ट्राइंगल है वो एक स्ट्रॉन्ग है और उसको प्रेस करने से उसका जो शेप है वो चेंज नहीं होगा। एंड ट्राइंगल शेप्स आर यूज इन ब्रिजेस टावर्स एक्सेट्रा टू मेक देम स्ट्रॉन्गर, और ब्रिज को टावर्स को स्ट्रांग बनाने के लिए कौन सा शेप की जरूरत पड़ती है, ट्राइंगल शेप की, क्योंकि वो स्ट्रांगर बनेगा, इसीलिए। एंड ट्राइंगल कैन बी फाइंड इन रेलिंग्स, बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, राइट। आप ट्राइंगल देखो, आप ब्रिज देखो, तभी भी आपको ट्राइंगल शेप नजर आएगा, और फाइंड करो कि कौन कौन से ऐसी थिंग्स है जिसमें हमने ट्राइंगल शेप यूज किया है, ओके। सो दिस इज योर होमवर्क, ये आपको करना नहीं है, सिर्फ आपको फाइंड करना है, इसमें आपको कुछ लिखना नहीं है, जस्ट फाइंड इट कि आप ट्राइंगल शेप कहाँ देख रहे हो और उसका रीजन क्या है कि ये ट्राइंगल शेप में है, ओके। रीजन तो आपको पता ही है, क्योंकि ट्राइंगुलर शेप है वो बहुत स्ट्रांग होता है, उसका इजिली शेप चेंज नहीं होता है, अंडरस्टैंड। दैट्स वाई इन ब्रिजेस एंड टावर्स उसको स्ट्रांग बनाने के लिए ट्राइंगुलर शेप यूज होता है। नाउ सी द नेक्स्ट इज एंगल एंड टाइम। नाउ एंगल और टाइम का रिलेशन, एंगल और टाइम का क्या रिलेशन है, लेट्स सी। नाउ सी जीनत, जीनत योर वॉच डज नॉट हैव डिजिट्स। अब ये जो गर्ल है वो बोल रही है कि जीनत तुम्हारी वॉच में तो डिजिट्स ही नहीं है,
हाउ डू यू रीड टाइम, तुम टाइम कैसे रीड करती हो? सी व्हाट इज शी सेइंग, आई जस्ट सी द एंगल्स, वो बोल रही है कि मैं तो सिर्फ एंगल्स देखती हूँ. सी व्हेन द हैंड्स मेक अ राइट एंगल, आई नो इट इज 9 o'clock. अब ये जो एंगल है उसने यहाँ पे एक राइट एंगल फॉर्म किया तो इट इज 9 o'clock. ओके सो नाउ अंडरस्टैंड, इन एंगल्स ऑल्सो मीन्स इन क्लॉक ऑल्सो वी कैन सी एंगल्स बिटवीन हैंड्स. जो हैंड्स होते हैं ना वो एंगल्स बनाते हैं. देर आर मैनी टाइम्स इन अ डे व्हेन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक मेक अ राइट एंगल. अब क्या क्लॉक ने ऐसे राइट एंगल फॉर्म किया तो एवरी टाइम 9 o'clock ही होगा, ऐसा कभी हो सकता है? नहीं, इसमें तो कई बार ऐसा होता है कि राइट एंगल फॉर्म होता है और टाइम चेंज हो जाता है. सो लेट्स सी बाय द क्लॉक, एक वॉच है उससे हम देखेंगे कि क्या हर बार ऐसा होता है कि जब ऐसा एंगल हो तभी 9 o'clock ही बजाए. नाउ सी दिस वॉच एंड लेट्स सी द एंगल्स बिटवीन द नंबर्स. अब यहाँ पे देखो कि ये जो एंगल बना इसमें टाइम क्या हुआ है 7 o'clock, इसमें 7 बजे है और उसका एंगल देखो कि इसके एंगल में ये जो डिस्टेंस है वो मोर देन राइट एंगल है, वो राइट एंगल से भी बिग है, राइट. अब ये एंगल यहाँ पे आया, इट इज ऑल्सो मोर देन राइट एंगल. ये अब ये बताओ कि ये कौन सा एंगल होगा. जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला कि 7 to 8 30 degree का दो नंबर्स होते हैं ना, उसके बीच में कितना डिग्री होता है पता है? 30 degree. तो 30 + 30 = 60 एंड +30 = 90. तो ये जो एंगल बना ना वो भी राइट एंगल बना. सी दिस इज, अगर आप क्लॉक अगर आप वॉच को ऐसे करोगे तो ये राइट एंगल बन रहा है. ओके सो नाउ सी हियर नेक्स्ट, इट इज लेस देन 90, इट इज ऑल्सो लेस देन 90. अंडरस्टैंड, ये भी लेस देन होगा. और ये अब यहाँ पे देखो कि ये जो एंगल बन रहा है, थोड़ा सा इसको ऐसे कर दे. अब ये जो एंगल बन रहा है वो कौन सा एंगल बनेगा? राइट एंगल बनेगा. आप यहाँ से भी देख सकते हो, राइट. सो दिस इज राइट एंगल. तो ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ पे बोला कि एवरी टाइम अगर ऐसा टाइम आया तो इट इज 9 o'clock. सो इट इज नॉट पॉसिबल. ओके फिर ये भी मोर देन राइट एंगल हो गया, ये मोर देन और ये दोनों तो स्ट्रेट हो गए. देखो ये एक 6 पे है, एक 12 पे है, ये दोनों स्ट्रेट हो गया. तो वी कैन से दिस इज स्ट्रेट एंगल, राइट. अब ऐसे होगा तो भी ये मोर देन हो गया, तो भी ये कितना हुआ? राइट एंगल हो गया, राइट. अब वापस देखो दोनों अगर ऐसे, अगर ये 5 पे है, ये 11 पे है, तो भी ये कौन सा एंगल होगा? स्ट्रेट एंगल. समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर देखो, जब इसमें 3 नंबर्स का डिस्टेंस है, जैसे कि मैंने पहले ही बोला 5 to 6 30 degree, 6 to 7 30 degree और 7 to 8 30 degree, मतलब 30 + 30 = 60 + 30 = 90. तो यहाँ पर भी एक 90 degree का एंगल बन रहा है, देखो. ओके तो ये टाइम क्या हुआ है यहाँ पे, वो भी चेंज हो रहा है. तो आप अच्छे से पहले देखो कि इट इज नॉट पॉसिबल कि हर बार अगर राइट एंगल है तो 9 o'clock ही है, अगर स्ट्रेट एंगल है तो 6 o'clock ही है. ओके सो टाइम अलग होगा बट एंगल मोर देन होगा, कभी राइट एंगल भी हो सकता है, कभी लेस देन राइट एंगल भी हो सकता है. ओके सो विद द हेल्प ऑफ हैंड्स, इसको क्या बोलते हैं? मिनिट हैंड एंड आवर हैंड. विद द हेल्प ऑफ मिनिट हैंड एंड आवर हैंड्स यू हैव टू आइडेंटिफाई द एंगल्स, टाइप ऑफ एंगल्स. नाउ सी, देर आर मेनी टाइम्स इन अ डे व्हेन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक मेक अ राइट एंगल. नाउ यू ड्रॉ. अब मैंने आपको पहले बताया जब 9 पे था, ये 9 o'clock था तब था. फिर दूसरा कब हुआ था कि जब ऐसे था तभी भी, एक 5 पे और एक 8 पे तभी भी ऐसा होगा. जैसे कि हम यहाँ पे ऐसे कर दें, ये 5 पे है और ये 8 पे है, तभी भी उसका ये राइट एंगल होगा. अब दूसरा कहाँ होगा? लेट्स सी कि ये हो गया, ये जो है आप देखो यहाँ पर भी जो बना वो राइट एंगल है. इसको क्या टाइम है? 4 o'clock and 5 minutes. तो इसमें भी 20, 30, 30 and 30, तो ये हो गया 90. अब इसको आप ऐसे देखो तो आपको ये भी राइट एंगल दिखेगा. तो ये जो स्मॉल हैंड है ना उस वो 4 पे है और बिग है वो 1 पे है. तो हम यहाँ पे भी ऐसा बनाए, स्मॉल है वो 4 पे और बिग है वो 1 पे, तो ये भी राइट एंगल बनेगा. अब दूसरा कहाँ पे राइट एंगल बनता है? लेट्स सी, यहाँ पे तो नहीं बनेगा, यहाँ पर भी नहीं बनेगा, यहाँ पर भी नहीं बनेगा. कब बनेगा? जब 3 o'clock होगा तब.
जब 3 बजेगी ना तब भी राइट एंगल ही बनेगा, समझ में आ रहा है? तो बिग हैंड इज ऑन 12 एंड स्मॉल हैंड इज ऑन 3, सो दैट वी कैन डू ऑन 12 सी एंड ऑन 3, तब भी ये राइट एंगल ही बना. ओके, सो दैट वे यू कैन राइट द आंसर्स. आप अपनी बुक में ऐसे आंसर्स लिखो और हैंड्स ड्रॉ करो. ओके, और बाकी सब एक्टिविटी जो है, बाकी यहाँ पे जो क्वेश्चंस है वो हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे. अगर आपको आता है तो आप अपने आप भी कर सकते हो, क्योंकि ये तो बहुत इजी है, आप अपने आप करो. बट आज हम यहाँ तक ही रखते हैं. आपको ये क्लॉक में आंसर्स फिल करने हैं, और वो हमने टेबल किया उसमें आंसर्स फिल करने हैं. और हमने जो एक्टिविटी की, कौन सी एक्टिविटी की? वो रबर ट्यूब और मैथस्टिक्स की. तो आप वो एक्टिविटी करो, फिर उसके पिक्चर आप मुझे सेंड करो कि आपने एक्टिविटी की है, तो मुझे पता चले कि कितने स्टूडेंट्स एक्टिविटी करते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एक्टिविटी के फोटो भेजते ही नहीं है. सो दिस इज नॉट गुड, राइट? सम आर वेरी गुड चिल्ड्रन, कोई वो सभी एक्टिविटीज के फोटो शेयर करते हैं, वो सब मुझे सेंड करते हैं, तो मुझे पता चले ना कि आपको ये आया कि नहीं आया. तो आप एक्टिविटी करो और फिर समझो. अगर आप एक्टिविटी नहीं करोगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा, और ये चैप्टर तो बहुत इजी है, राइट? तो एक्टिविटी करने में हम सबको मजा आएगा. ओके, सो प्लीज सेंड फोटोज ऑफ दिस एक्टिविटी एंड वन टेबल एंड दिस क्लॉक, और उसके आगे जो ये पेज पे जो क्वेश्चन है आप वो भी सॉल्व करो अगर आपको आते हैं. अगर आपको नहीं आते हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो में वो भी सॉल्व करेंगे. सो नो प्रॉब्लम, बट डू योर होमवर्क रेगुलरली. ओके.